हेलो दोस्तों, वेलकम टू गीताज टिप्स। मैं हूं आपकी दोस्त गीता। आज के वीडियो में हम तीन तरह से आलू का पराठा बनाएंगे। आपको कौन सा तरीका पसंद आया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है उबले हुए आलू। आलू को हम मैश कर लेंगे। फिर हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ प्याज। इन सबको हम बारीक काट लेंगे। अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। मसाले में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच पिसा धनिया, 1 छोटा चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटा चम्मच पिसी खटाई या आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार नमक और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। आलू भूनने के लिए थोड़ा सा तेल और पराठा सेंकने के लिए देसी घी और 1 बड़ी कटोरी आटा। सबसे पहले हम आटे में अजवाइन और नमक डालकर मुलायम आटा गूंथ लेंगे। आटा उतना ही मुलायम होना चाहिए जितना मुलायम आलू का भरता बनेगा। ऐसा करने से पराठा बेलते समय आलू बाहर नहीं निकलेगा। ये हमारा आटा गूंथ गया है। थोड़ा सा तेल लगाकर इसे ढककर रख देंगे। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ से पराठे में समोसे जैसा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब आलू डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कटी हरी मिर्च, प्याज और अदरक डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे। अब नमक, पिसी खटाई और पिसा धनिया पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाते हुए आलू को भून लेंगे। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमने आटे में भी नमक डाला था, तो उसी हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आलू भुन गया है, गैस बंद कर देंगे और अब इसमें हरा धनिया मिला देंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब हम आटे की लोइयां बना लेंगे। एक लोई को इस तरह चकले पर गोल करेंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हाथ से ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब इसमें करीब 2 चम्मच आलू रखेंगे और इसे दबा दबा कर कटोरी नुमा बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि अभी इसमें और आलू भर सकते हैं, तो थोड़ा सा और आलू लेंगे और इस लोई को चारों ओर से इस तरह बंद कर देंगे। और हाथ पर ही घुमा घुमा कर गोल कर लेंगे। दोनों ओर से दबाएंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर पहले इसे हाथ से ही बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इसे आधे से ज़्यादा तो हाथ से ही बढ़ा लिया है। अब फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसमें हम रोटी के जैसा गोल गोल बेलन नहीं घुमाएंगे, बल्कि पराठे को हाथ से घुमाएंगे और बेलन सीधा चलाएंगे। ऐसा करने से आलू बाहर नहीं निकलेगा।
आप देख सकते हैं कि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा आलू भरा है क्योंकि ये ऊपर से भी झलक रहा है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से पराठा भरना बताऊंगी। हमने जो लोई बनाई थी उसके हम दो भाग कर लेंगे और दोनों की थोड़ा छोटी रोटियां बेल लेंगे। अब एक रोटी पर आलू रखेंगे और उसे अच्छी तरह चारों ओर फैला देंगे, किनारे थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब दूसरी रोटी ऊपर से रखकर किनारे अच्छी तरह चिपका देंगे। हल्के हल्के हाथों से दोनों ओर से बीच में भी दबाएंगे। अब थोड़ा सूखा आटा लगाकर हल्का सा बेलन से बढ़ा देंगे। लीजिए, ये पराठा भी बिलकर तैयार हो गया है। अब तीसरे तरीके से पराठा बनाएंगे। इसमें जो हमारा आलू बचा है उसी में थोड़ा सा आटा डालेंगे। लगभग जितना आलू है उतना ही आटा लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। अब इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। मुझे ये टाइट लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसका मुलायम डो बना लेते हैं। लीजिए, ये भी तैयार है। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। और ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे बस रोटी की तरह हल्के हाथों से बेल लेते हैं। लीजिए, ये भी रेडी है। अब हम ये तीनों पराठे सेंक लेते हैं। तवा गरम करेंगे। अब जो पराठा हमने सबसे पहले बेला था उसे तवे पर डालेंगे। खिसका कर देखते हैं, ये खिसक रहा है, इसे पलट देंगे और अच्छी तरह पूरे पराठे पर घी लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये किनारे से फूलना शुरू हो गया है। अब इसे फिर से पलटेंगे और दूसरी साइड पर भी घी लगाएंगे। ये हमने घी लगा दिया। अब इसे दोबारा पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कैसे गुब्बारे के जैसा फूल रहा है। तो ये हमारा पराठा सीख कर रेडी है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। अब दूसरा पराठा सेकेंगे, जिसे हमने दो लोइयां बनाकर आलू भरा था। इसे भी सेम पहले वाले पराठे की तरह दोनों साइड अच्छे से घी लगा कर सेकेंगे। ये देखिए, ये भी फूलना शुरू हो गया है। इसे पलट देंगे। ये देखिए, ये भी गुब्बारे के जैसा फूल रहा है। दोनों साइड अच्छे से सेंक लेंगे। ये भी रेडी है। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत क्रिस्पी बना है। अब हम तीसरा पराठा सेकेंगे, जिसे हमने आलू और आटा दोनों एक ही में मिक्स करके बनाया था। इसे भी सेम प्रोसेस से दोनों साइड अच्छी तरह घी लगाकर सेकेंगे। ये भी किनारे से फूल रहा है। ये गुब्बारे जैसा नहीं फूलेगा क्योंकि इसे हमने आलू भर कर नहीं बनाया था। तो ये पराठा भी अच्छे से सिक गया है। गैस बंद कर देंगे और इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको तीनों पराठे दिखाती हूँ। सबसे पहले ये तीसरा वाला पराठा देखिए, कितना सॉफ्ट बना है कि हमारी बिना दांत वाली दादी नानी भी आराम से खा सकें। ये दूसरा पराठा, इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, किनारे तक कितने अच्छे से आलू भरा है, तो आ गया ना मुँह में पानी। अब ये सबसे पहले वाला पराठा, इसे मैं बीच से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना मस्त। तो अब बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।